ठंडों के समय में बाज़ार में बहुत ही प्यारी प्यारी गोभी आती है, तो आज मैं इसकी नई रेसिपी बताऊंगी और ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। तो आप इस तरह बनाते हुए देखकर सोचते होंगे कि ये क्या बनने वाला है, तो ठीक आप सोचिए और मैं रेसिपी को शुरू कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं और इसका क्या बनता है। तो इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या सामग्री लगती है। तो ये एक फूल गोभी है, अभी मार्केट में बहुत ही ये अच्छी अच्छी गोभी आ रही है, तो इसे हम डंठल हटाकर और इसे साफ कर कर और अच्छे से हम इसे देख लिए हैं कि इसमें कुछ है तो नहीं, और इसे हम बारीकी से देख कर धो लिए हैं पानी से। और ये हम 4 से 5 लहसुन की कलियाँ लिए हैं, इसे हम छील लिए हैं, और ये 4 सूखा मरचा है, और ये 2 से 3 टुकड़ा अदरक है, 2 तेज़पत्ता है, और 1 दालचीनी, और 2 लौंग, और 1 बड़ी इलायची है, 1 बड़ा साइज का प्याज है जिसे हम बारीक काट लिए हैं, और ये 2 हरी मिर्च है जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं, और 1 बड़ा साइज का टमाटर है जिसे हम रफली काट लिए हैं। तो मसाला में देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। तो ये हल्दी पाउडर है, और ये गरम मसाला है, ये काली मिर्च है, ये जीरा है, ये धनिया है, ये कश्मीरी लाल मिर्च, और ये नमक है। तो हम टमाटर का ही पहले पेस्ट बनाएंगे। तो ये 1 गिलास पानी है। तो चलिए एक मिक्सर जार लेते हैं, और मसाला पीस कर बनाने से, साबुत मसाला पीस कर बनाने से फ्रेंड सब्जी का स्वाद बहुत ही अच्छी लगती है। तो हम एक मसाला का जार ले लिए और इसमें हम टमाटर को डालकर और बिना पानी का ही इसे हम पेस्ट बना लेंगे। तो सेम जार लेकर अब उसमें हम मसालों को पीसेंगे। तो ये धनिया, साबुत धनिया है जिसे हम 2 चम्मच के करीब इसमें हम डालेंगे। और ये जीरा है जिसे हम 1 चम्मच के डालेंगे, और ये काली मिर्च है जिसे हम 1 चम्मच से थोड़ा सा कम डालेंगे, और जो लहसुन अदरक जो छील कर रखे हुए थे उसे भी हम इसी में डालेंगे। तो ये अदरक का टुकड़ा हम डाल देते हैं, और ये सूखा मरचा जो है इसका डंठल हटाकर हम डाल दिए, और लहसुन को भी डाल दिए, और इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे ताकि मेरा मसाला का पेस्ट बहुत ही फाइन बने। तो थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं, और जो 2 तेज़पत्ता रखे हैं उसमें से 1 तेज़पत्ता को हम छौंक लगाएंगे, और 1 तेज़पत्ता को छोटा छोटा टुकड़ा में काट कर इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स मसाला पीसते समय ही तेज़पत्ता डालने से सब्जी बहुत ही सुगंधित बनती है। तो चलिए इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो देखिए हम मसाला का भी पेस्ट बना लिए, और ये टमाटर का पेस्ट है, और ये धनिया का पत्ता है जिसे हम छोटा छोटा टुकड़ों में काट के लिए हैं, और ये जो गोभी था। तो चलिए गोभी को हम बॉईल करेंगे। तो गैस चूल्हा ऑन कर कर एक भगोना में हम थोड़ा पानी रख लिए हैं, और जब पानी खौलने लगेगा तभी हम इसमें डालेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए अगर आपके गोभी में इस तरह से काले काले धब्बे दाग हो तो उसे चाकू की सहायता से उसे अच्छी तरह से उसे साफ कर लीजिए। तो देखिए हम जिस तरह से साफ करें उस तरह साफ कर लीजिए, और पानी अच्छी तरह से खौलने लगी तो उसमें अब हम गोभी को डाल देंगे, और अब 2 से 3 मिनट तक गोभी को खौलने देंगे। इस तरह गोभी को खौला देने से पानी में इसमें जो अंदर में कुछ होगा वो निकल जाएगा, और मेरा गोभी अच्छी तरह से फ्रेश हो जाएगी। तो देखिए हम दोनों तरफ से उलट कर और इसे हम अच्छी तरह से बॉयल कर होने दे रहे हैं, और फ्लेम को कम रखेंगे नहीं तो मेरा गोभी बहुत ही ज़्यादा बॉयल हो जाएगा। तो गोभी बॉयल हो गया, अब हम एक कढ़ाई रखेंगे और गैस को ऑन कर देंगे, और कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। जब मेरा कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। तो दोस्तों सरसों का तेल में सब्जी बनाने से सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है, तो आप भी इसे सरसों का तेल में ही बनाइए। तो तेल को अच्छी तरह से गर्म हो जाने देंगे, और इसमें जो गोभी रखे थे इसका पानी अच्छी तरह से हम निकाल कर और उसमें डाल देंगे।
अगर तेल अच्छी गर्म नहीं रहेगी तो गोभी में सभी तेल सोख लेगा। तो आप गोभी को ठंडा कर कर पानी निकाल कर और तेल को अच्छी तरह गर्म होने दीजिए, तभी आप इसमें गोभी डालिए। और गोभी को सावधानी से डालना है ताकि तेल बहुत ही गर्म है, और इसे उल्टा पुल्टा कर कर दोनों तरफ से उलट कर पलट कर हमें अच्छी तरह से ब्राउन होने तक इसे हमें फ्राई करनी है। तो फ्लेम हम कम ही रखे हैं फ्रेंड्स। तो देखिए ये एक तरफ से अच्छी तरह से ये ब्राउन हो चुकी है, अब इसे हम पलटेंगे। तो इसे हम छोलनी के सहायता से सावधानी से दूसरे तरफ फ्राई करेंगे। देखिए इधर का कलर हल्का चेंज हो गया है। तो अब दोनों तरफ से पलटकर हम इसे अच्छी तरह से ब्राउन होने देंगे। तो देखिए ये गोभी हम निकाल लिए भगोने में और ये बहुत ही अच्छी ब्राउन हो चुकी है। तो अब सेम कढ़ाई में हम तेल को निकाल कर और उसमें जो प्याज तेजपत्ता और खड़ा मसाला रखे थे उसे डाल दिए और प्याज को हल्का ब्राउन होने देंगे, ज़्यादा उसको जलाना नहीं है। और उसके बाद हम एक चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डालेंगे। तो एक चम्मच हम हल्दी पाउडर डाल दिए और एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। सूखा मसाला डालने के समय फ्लेम को कम रखेंगे फ्रेंड्स, और इसे हम तेल में अच्छी तरह से मिला देंगे। इस तरह तेल में सूखा मसाला डालने से सब्जी का कलर बहुत ही कलरफुल आता है फ्रेंड्स। तो आप भी इस तरह पहले ही डालकर बनाइए। अब जो ये टमाटर का पेस्ट बना कर रखे थे उसे हम डाल देंगे। तो इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और जो ये मसाला का पेस्ट था उसे भी हम इसी समय डाल देंगे। और फ्लेम को थोड़ा हम बढ़ाकर इसे अच्छी तरह से भुनेंगे। जब तक से मसाला अच्छी तरह से नहीं भुनाता है तो सब्जी का टेस्ट आपको अच्छा नहीं आएगा। और इसे बराबर चलाते रहेंगे। ये एक चम्मच गरम मसाला है जिसे हम अभी ही डाल देंगे और इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स मसाला को ध्यानपूर्वक भुनना है ताकि मेरा मसाला तले में सटे नहीं, अगर सट जाएगा तो सब्जी का पूरा टेस्ट खराब हो जाएगा। तो देखिए इसे बराबर आप चलाते रहिए, ये नहीं चलाकर और आप छोड़कर कहीं दूसरे जगह नहीं जाइए। तो देखिए सब्जी का मसाला देखकर ही आप बता सकते हैं कि सब्जी बहुत ही लजीज बनने वाली है। तो मेरी सब्जी कलरफुल लग रही है ना फ्रेंड्स। तो जब तक से तेल ऊपर दिखाई नहीं देने लगे, जब चारों तरफ से तेल छोड़ देता है मसाला में, तो सोचिए कि मसाला अच्छी तरह से भुन गई है। तो मसाला भुनते हुए हमें 5 मिनट से ऊपर हो गया है और इसे हम 2 मिनट और भुनेंगे। तो देखिए ऊपर ऊपर तेल हमारा दिखाई देने लगा मसाला के ऊपर। तो फ्लेम को थोड़ा हम कम कर देंगे और इसे हम 2 मिनट और भुनेंगे। इसे चारों तरफ से मिलाते हुए अच्छी तरह से भून लिए 2 मिनट। अब इसमें जो गोभी फ्राई कर कर रखे थे उसे भी हम अब इसी में पूरा के पूरा गोभी हम डाल देंगे और इसे तले से छुड़ाते हुए अच्छी तरह से भुने। तो देखिए ये मसाला बहुत ही अच्छी तरीके से भून गई है। तो अब इसमें हम उस गोभी को डालेंगे। तो इसे हम डाल देंगे। और इसे चारों तरफ से मसाला के साथ भुनेंगे ताकि मेरा गोभी में भी मसाला अच्छी तरह से कोट हो जाए। और छलनी के सहायता से इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे। जितना बड़ा आपको रखना है उतना बड़ा इसे काटिए। और सच मानिए फ्रेंड्स, अगर इस तरह से आप सब्जी बनाइएगा गोभी का
तो ये बहुत ही शानदार लगती है। और आप इसमें मटर भी डाल सकते हैं, आलू भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें केवल आज गोभी का ही बना रहे हैं। तो देखिए, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट दिए और इसमें हम आधा गिलास के करीब पानी डालें। ये सब्जी हम लटपट एकदम बनाएंगे, ज़्यादा ग्रेवी वाला ये नहीं है। अगर आपको ग्रेवी वाली बनानी है तो आप पूरा गिलास पानी डाल दीजिए और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। और मिलाते हुए इसे हमें और 5 मिनट इसे हमें ग्रेवी के साथ पकाना है। तो हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, गोभी तो मेरा पहले ही पक चुका था और मसाला भी बहुत ही अच्छी तरह से भुना गया है। तो ये 5 मिनट में अच्छी तरह से ये तैयार हो जाएगी फ्रेंड्स। तो इसमें अब हम ऊपर से धनिया के पत्ता डाल देंगे जो काट कर रखे थे। तो और इसे हम 2 मिनट पकाना है और धनिया के पत्ता को भी हम मिला देंगे। और एक सीक्रेट बात है फ्रेंड्स, इसमें हम सीक्रेट चीज़ डालेंगे, ये घर का देसी घी है। इसमें 1 चम्मच डालने से सब्जी का टेस्ट दुगना हो जाता है, तो आप इसे ज़रूर डालिए। तो ये हम घर में बनाए हैं और उसको सभी को मिला देंगे। तो देखिए, ये सब्जी एकदम लटपट बनकर तैयार हो गई है फ्रेंड्स। तो अब इसे हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम गैस को ऑफ करके 2 मिनट ढककर छोड़ देंगे। सब्जी थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसका कलर देखने में और ही अच्छी लगेगी। तो मेरा 2 मिनट हो चुका है, अब खोल कर देखते हैं कि सब्जी का क्या हाल है। तो देखिए, ये सब्जी देखकर ही बता सकते हैं कि ये कितनी लाजवाब बनी है। तो चलिए, एक हम बाउल में निकाल लेते हैं इसे। तो एक हम कटोरी में से निकाल लिए और इसे गर्मा गर्म रोटी नान आप किसी के साथ इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हम निकाल लिए और इसे और कलरफुल बनाने के लिए इसको हम थोड़ा और सजाएंगे। तो देखिए, तो छोटा छोटा जो धनिया का पत्ता होता है उसे हम काट कर और इसे हम और कलरफुल बनाएंगे। तो चलिए, आप भी इसी तरह सजाकर और अपने परिवार में सर्व कीजिए। तो देखिए, ये जो छोटा छोटा धनिया का पत्ता है उसे हम रख लिए हैं और इसमें हम ऊपर से इसे लगा देंगे, इससे और सब्जी का खूबसूरती बढ़ जाएगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।